समाजवादी पार्टी की सूची पेशेवर दंगाई, पेशेवर माफिया, धमकीबाज, व्यापारियों का शोषण करने वाले, दंगा करने वाले, आतंकवाद का खुले समर्थन करने वाले लोग समाजवादी पार्टी की सूची में स्थान पाते हैं। लेकिन जब मैंने बहुजन समाजवादी पार्टी की सूची को देखा तो मैं समझ ही नहीं पाया कि यह सूची बहुजन समाजवादी पार्टी की है या मुस्लिम लीग की है। यानी आप देखेंगे पहली ही सूची में बहुजन समाजवादी पार्टी ने 29 मुसलमानों को टिकट देकर के आखिर क्या साबित करने का प्रयास किया? भाइयों बहनों, टिकट देना हर राजनीतिक दल का दायित्व है, उनका अधिकार भी है, लेकिन वोट बैंक बनाने के लिए हम टिकट बांटें, मुझे लगता है ये अनर्थ है, इसको रोका जाना चाहिए। आप किसी को भी टिकट दे सकते हैं, लेकिन टिकट वितरण की सूची के साबित करती है कि जो काम पहले समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की नीति पर चल करके करती थी, अब वो ठेका लगता है कि बहन जी ने ले लिया है। और समाजवादी पार्टी तो खैर अपने कारनामों के लिए जानी जाती है, गुंडागर्दी, अराजकता, धमकी, व्यापारियों का प्लान, और वह फिर उसी मानसिकता के साथ चुनावी समर में आई है। लेकिन चिंता बंद करो, बिना भय के हमने देखा, आपने देखा होगा भाइयों बहनों, 2007 से 2012 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, 364 दंगे हुए थे, और 2012 से लेकर 17 के बीच समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश के अंदर हुए, लेकिन 2017 से 22 के बीच अभी तक एक भी दंगा नहीं हुआ है। दंगा मुक्त, भय मुक्त, अराजकता से मुक्त व्यवस्था देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे एक बात बताइए, पथरदेवा के भाइयों बहनों मुझे बात बताइए, 2017 के पहले आपको बिजली मिलती थी क्या? क्या आपके पास उस समय बिजली आती थी? आज तो आ रही होगी ना, साईं जी को चुने जाने के बाद तो बिजली मिल रही है ना, बिजली की कोई जाति और कोई मजहब तो नहीं है ना, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली है ना। जिन गांवों में विद्युतीकरण नहीं हुआ था, साईं जी ने वहां भी विद्युतीकरण का काम करवा दिया है ना, अगर कोई फिर भी बचा होगा इस बार वो भी पूरा करवा दिया जाएगा। लेकिन सपा बसपा की सरकार के समय बिजली की भी जाति होती थी, उसका भी मजहब होता था, मालूम है ना, ईद और मुहर्रम रहता था तो बिजली आएगी, और होली और दीपावली को गायब हो जाती थी, यही होता था ना। आज तो भेदभाव नहीं होता है ना। दूसरा, कोरोना महामारी का हम सामना कर रहे हैं, कोरोना इस सदी का सबसे बड़ी महामारी है। भाइयों बहनों, कोरोना के दौरान आपने देखा होगा, साईं जी अपने क्षेत्र में काम कर रहे थे, सांसद जी डॉक्टर रावपतराम त्रिपाठी जी सेवा कर रहे थे, भाजपा के पदाधिकारी आपकी सेवा में लगे थे, लेकिन क्या तब भी सपा बसपा के लोग ऐसे ही सेवा करने के लिए आते थे क्या जैसे चुनाव में आ रहे हैं? उस समय तो साईं जी के भी, त्रिपाठी जी के भी, भाजपा के पदाधिकारी आपके बीच में रहे होंगे,
जो आपके संकट में नहीं रह सकते, उन सपा बसपा कांग्रेस के नेताओं से पूछिए कि आखिर कोरोना जैसी महामारी के समय जब बचाव करना था तब इनका कहीं अता पता नहीं था, और आज जब चुनाव आ गए हैं तो ये लोग भी बरसाती जीव की तरह टिमटिमाते हुए आपको फिर भाषा सिखाने लग गए हैं। इनको बताने की आवश्यकता है कि जो संकट का साथी नहीं वह सच्चा साथी नहीं, वह तो अवसरवादी है, और सपा बसपा और कांग्रेस वही अवसरवादी की एक जमात है। भाइयों बहनों, कोरोना में टेस्ट फ्री हुआ है ना, टेस्ट फ्री, उपचार फ्री और वैक्सीन भी फ्री। वैक्सीन फ्री लगी है ना, कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई है? पीछे के लोग, ये पीछे जो खेत के मेड़ में खड़े हैं, सड़क के किनारे खड़े हैं, वैक्सीन सब लोग ले लिए? वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा? अब आप देखिए, 25 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की, और भाइयों बहनों आज उत्तर प्रदेश में 29 करोड़ वैक्सीन की डोजेज हम लोग लगाने जा रहे हैं। एक भी वैक्सीन ब्लैक नहीं हुई। अगर सपा बसपा की सरकार होती ये पूरी वैक्सीन ब्लैक हो जाती, किसी गरीब को नहीं मिलता, किसी जरूरतमंद को नहीं मिलता। आखिर कोरोना के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है, उस लड़ाई में वैक्सीन ने हम सबकी जान बचाई है। तीसरी वेव कब आई कब गई कोई पता नहीं, इज्जत मान रहे हैं ना आप इस बात को? कोरोना के कारण जान बची है। और भाइयों बहनों यही नहीं, आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, कोरोना कालखंड में मुझे बताओ, बिना भेदभाव के हर गरीब को दो बार राशन महीने में मिला कि नहीं मिला? और राशन के साथ दाल तेल और नमक मिलना है, इसमें कोई भेदभाव तो नहीं हुआ, सबको मिलना है। क्या सपा बसपा की सरकार में भी मिलता था क्या? कहां जाता था ये पैसा, ये राशन कहां जाता था? यही राशन इनके इत्र वाले मित्र के घर में चला जाता था। कहां जाता था? इत्र वाले मित्र के यहां, उनके इत्र वाले मित्र के यहां। और जब इत्र वाला मित्र गरीबों का खाएगा तो उसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? तो हम बुरा कर रहे हैं क्या? ये चालू रहना चाहिए। और यही तो सपा बसपा कांग्रेस को यही परेशानी है, उनकी परेशानी यही है कि भाइयों बहनों, उनकी परेशानी यही है कि ये उनके इत्र वाले मित्र जो बेमानी और भ्रष्टाचार करके गरीबों का खा जाते थे, जो माफिया विकास के पैसे में डकैती डालते थे, आज जब सरकार उनको पूरी तरह रगड़ने का काम कर रही है तो अब इनको बुरा लगता है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त देने के लिए आया हूं, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, बिना रुके बिना डिगे बिना थके और बिना झुके सरकार पूरी मजबूती के साथ अपना कार्य कर रही है, और फिर से आपकी ताकत प्राप्त करने के लिए कि भय मुक्त दंगा मुक्त विकास के लिए और गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार फिर से भारतीय जनता पार्टी की आनी चाहिए। लेकिन यह तब संभव होगा जब पथरदेवा से शाही जी चुनाव जीतेंगे, ठीक है? और यही अपील करने के लिए मैं आज आपके बीच आया हूं। अभी तो ये शुरुआत है, ये फ्री राशन अभी शुरुआत है। हम लोगों ने यह भी तय किया है 10 मार्च के बाद सरकार बनेगी, हर उज्ज्वला योजना लाभार्थी के घर में होली और दीपावली को फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम करेंगे। 60 साल से ऊपर की हर माता और बहन को
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में फ्री में यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध करवाएंगे। बेटी के जन्म लेने से लेकर के उसकी स्नातक तक पढ़ाई के लिए हमने 15,000 रुपए की घोषणा की थी कन्या सुमंगला योजना का। अब हमारा प्रस्ताव है बेटी की पढ़ाई के लिए 15,000 नहीं, अब इस राशि को बढ़ाएंगे 25,000 करने का प्रस्ताव है। गरीब कन्याओं की शादी के लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने, भाइयों बहनों, पहले 31,000 की अनुदान राशि कन्यादान के लिए तय किया, फिर उसको 51,000 बढ़ाया। अब हमारा मानना है कि इसको और बढ़ाया जाना चाहिए, इसको 1,00,000 करने का प्रस्ताव है कन्याओं की शादी के लिए। हमारा प्रस्ताव यह भी है कि हमारा अन्नदाता किसान किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। अन्नदाता किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। अगले 5 साल के अंदर ऐसी व्यवस्था करेंगे, विभाग के मंत्री शाही जी हैं, कि अगले 5 साल के अंदर किसान को अपने ट्यूबवेल का बिल ही ना भरना पड़े, फ्री में उसको बिजली मिल सके। और भाइयों बहनों, हमारा नौजवान कैसे छोड़ सकता है? अभी तो हम लोग 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। डिग्री कॉलेज, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमकॉम, एमएससी या बीटेक, एमटेक, बी, एमई, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, फार्मेसी, नर्सिंग, मेडिकल, इंजीनियरिंग, जो भी कोर्स कोई कर नौजवान कर रहा है, इन सभी को हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन फ्री में उपलब्ध करा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कंप्लेंट कर दी है, कहा साहब ये देने की आवश्यकता क्या है? हमने तय किया है कंप्लेंट करेंगे, लेकिन हम लोग 10 मार्च के बाद इसको 2 करोड़ नौजवानों तक पहुंचाएंगे फ्री में, डिजिटल एक्सेस फ्री। और भाइयों बहनों, ऐसी व्यवस्था करेंगे अगले 5 साल के अंदर हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वतः रोजगार की सुविधा उपलब्ध हो सके। दिव्यांगजन, वृद्धजन और विधवा महिलाओं को भाइयों बहनों 300 रुपए की पेंशन मिलती थी, 300 रुपए की पेंशन मिलती थी, सपा ने वो पेंशन रोक दी थी। हमने उस पेंशन को बढ़ा करके अब 12,000 रुपए सालाना कर दिया है। प्रस्ताव है इसको 12,000 से अगले 5 साल के अंदर बढ़ा करके 18,000 करने का प्रस्ताव है। भाई बहनों, इतना कार्य करने के लिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए, बिजली 24 घंटे देने के लिए, सड़क के लिए, हर घर नल के लिए, हर गरीब के पास अपना मकान हो, इसके लिए एक दमदार सरकार चाहिए, दमदार सरकार। और सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी का जीतना आवश्यक है। सहमत है सभी लोग? और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए भाइयों बहनों, शाही जी का पदक निवासी जीतना आवश्यक है। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग? और इसीलिए हम लोग आए हैं भाइयों बहनों। सपा के लोग परेशान है, एक दिन वो सिर्फ पूछे बैंक साथ विकास तो हमने नहीं कराया। मैंने कहा कौन विकास सपा बसपा के लोगों ने कराया? आपने सड़क नहीं दी, बिजली नहीं दी, हर घर नल, गरीबों को राशन नहीं दिया, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं दी। हमने तो देवरिया में मेडिकल कॉलेज भी बना दिया, अभी तो एक नई चीनी मिल हम लोग यहाँ लगाने जा रहे हैं। लेकिन मैंने कहा विकास सपा कौन कराया है तुमने? वो कहते हैं हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री बना दी। उनके लिए विकास कब्रिस्तान की बाउंड्री उनका विकास है, लेकिन हमारा विकास चीनी मिल है, हमारा विकास मेडिकल कॉलेज है, हमारा विकास घर घर बिजली है, हमारा विकास हर घर नल है, हमारा विकास गांव गांव की सड़कें हैं, हमारा विकास
हर घर में राशन की सुविधा देना है, हर बेटी को देना है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, हमने जो कहा सो करके दिखाया। हमने कहा था राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, कोई संकेत तो नहीं। हमने जो कहा सो करके दिखाया ना। तो भाइयों बहनों, हम जो कहेंगे सो करके दिखाएंगे। विकास भी होगा और बुलडोजर भी चलेगा। और इसीलिए मैं आया हूं, 3 मार्च को चुनाव होना है, भारी बहुमत से साईं जी को चुनाव जिता कर।